गुरवे गौरचंद्राय राधिकायष्टदालये कृष्णाय नमो वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदनाय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीकांत श्रीराधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिय वृंदाय तुलसीदेवी प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रददेवी सत्यवत्तरी नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्रीला विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत गुरु साष्टांग प्रणाम करते। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्रीला विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोवर में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथार्थ प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। हिंदी समझते बोलते तुम भी तो इधर तुमको देख के तुम्हें देख कर के हरे कृष्ण। हाँ ये ग्रंथ है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद को अलग अलग भक्तों ने अलग अलग समय पर अलग अलग प्रश्न किया। हाँ तो उसका जो उत्तर है तो ये ग्रंथ है। आज जो हम लोग कथा सुनेंगे ये अगर इतनी सी बात अगर जीवन में हम लोग याद रखे फिर भक्ति जगत से कभी भी हम लोग चूक नहीं होंगे। हरे कृष्ण जल्दी करते उनको बोला कहते आज जो हम लोग प्रश्न उत्तर सुनेंगे कहते अगर इतनी सी बात कोई अगर याद रखे वो कभी भक्ति जगत में उदास नहीं होता। क्योंकि कभी कभी हम भगवान की भक्ति करते करते हैं अगर थोड़ी मोड़ी कोई विपत्ति जीवन में आ जाए ना भले कोई चीज छोड़े नहीं छोड़े माला छोड़े हम भगवान के लिए इतना किया और भगवान हमारे साथ में ऐसे किया है पहले ये माला को छोड़ देते इसका मतलब खाना नहीं छोड़ेंगे पीना नहीं छोड़ेंगे सोना नहीं छोड़ेंगे घूमना नहीं छोड़ेंगे कुछ भी नहीं छोड़ेंगे लेकिन क्या छोड़ देंगे माला। इसलिए ये जो प्रश्न उत्तर है आज ये बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद इसका क्या उत्तर देते हैं हम सुनेंगे। किसने प्रश्न किया जीवन में जो कुछ जीवन में आता है कभी सुख कभी दुख कभी दुख कभी सुख जीवन में जो कुछ आता है भगवान ने सकल व्यवस्था की सानंद शिरोधार्य मतलब भगवान हमें जिस अवस्था में रहते हैं यह सारे अवस्था को हमें स्वीकार करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। सारे अवस्था को भगवान की इच्छा मान करके क्या अपना जीवन में स्वीकार करनी चाहिए क्या नहीं ये प्रश्न है।
ये करोड़ रुपया की प्रश्न है, ये कर अरब खरब रुपया की ये प्रश्न है, इसलिए जो प्रश्न किया है, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं बोले निश्चय तो निश्चित रूप में हमें है? हम हमारे जीवन में जो कुछ आता है भगवान की इच्छा जान करके हर अवस्था को अपना सर पर रख लेनी चाहिए, हर अवस्था को अपना जीवन में उतार लेनी चाहिए, क्योंकि मंगलमय सकल व्यवस्था ही मंगलमय। भगवान को क्या कहते हैं, भगवान मंगलमय, मंगल भवन अमंगल हरि, भगवान मंगलमय, भगवान कभी किसका अमंगल करते नहीं, भगवान जो कुछ करते हैं जीवन में मंगल के लिए करते, भगवान कभी अमंगल के लिए कुछ करते नहीं। कहते मंगलमय रे व्यवस्थाए कौन अमंगल नाई बात थकते बारे ना, भगवान हमारे जीवन में जो कुछ व्यवस्था लाते हैं भगवान कभी भी अपना जीवन में अमंगल ला ही नहीं सकते हैं, जो कुछ लाते हैं हमारे अच्छे के लिए ही लाते हैं, जरूर उसके अंदर में कुछ ना कुछ शिक्षा होगा, उसमें कुछ ना कुछ हम लोगों के लिए शिक्षा वस्तु होगा हैं जीवन में, क्योंकि मंगलमय हैं, वो कभी अमंगल हमारे करेंगे नहीं। दयामय सभी दया, भगवान दयामय, कितना हे कृष्णा करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपी सह गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते, हम बोलते हैं ना भगवान कृपा सिंधु दया के सागर हैं, भगवान क्या तो भगवान कृपा के सिंधु दया के सागर है, मंगलमय भगवान, सब कुछ उनकी दया है, इट इज ऑल फॉर द बेस्ट है, भगवान जहाँ करे तहा सभी हमारे मंगल जने करिया था के, भगवान जो कुछ करते हैं हमारे जीवन का मंगल के लिए ही भगवान करते हैं। एक बार भगवान दया देखते सिखिले ही मंगल, एखन भगवान भगवान दया देखले ही मंगल, मतलब जीवन में जो कुछ आता है इस चीज को समझना चाहिए, इसमें भी हमारे कुछ भगवान के ऊपर हमारे ऊपर कृपा है, हर चीज को क्या देखना पड़ेगा, जो कुछ आए जीवन में जो इसमें भी भगवान हमें कुछ शिक्षा देना चाहते हैं, इसमें भी हमारे कुछ मंगल है, हमारे इसमें कुछ भी मंगल है। भगवान जहाँ के जखन सेखने राखेन बा जेभावे राखेन तिनि तखन अम्लान बदने सेखने थाकिया भगवानेर पुरस्कार बा तिरस्कार ग्रहण करिबे। प्रभुपाद क्या कहते हैं, भगवान जिसको जिस अवस्था में रखते हैं, जिस भाव में रखते हैं, उसी समय क्या करनी चाहिए, अम्लान बदने मतलब बगैर दुखी होकर के, दुखी नहीं होनी चाहिए, भगवान हमारे जीवन में स्थिति क्यों लाए, कभी दुखी नहीं होनी चाहिए, अम्लान बदने मतलब बगैर दुख में ही वहीं पर रह करके भगवान का जो पुरस्कार, पुरस्कार मतलब भगवान जब हमें कोई पुरस्कार देते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं, खुशी देते हैं, पुरस्कार बड़ा तिरस्कार, जब जीवन में कोई दुख का चाहता है, जीवन में जब कोई सुख आता है भगवान, कोई दुख आता है क्या करना, सब कुछ अपना कल्याण के लिए भगवान कर रहे हैं, वो चीज को अपना जीवन में ग्रहण करना, इसमें भी कुछ कल्याण है। भगवान ने जावतीय पुरस्कार व तिरस्कार मंगल जने बीत है, हैं तद जीवन में जो दुख और कष्ट आता है जीवन में, यदि सब के सब हमारी मंगल के लिए, हमारे जीवन में मंगल के लिए आता है, इसलिए भगवान ने माया शक्ति पुरस्कार के हमारा आदर करी, आरतार तिरस्कार गुली के अमादियों के जंत्रना दे, यदि ये संसार में जो माया है हम संसार में क्यों आए, कारण क्या है, मेरे कारण है जब हम लोगों ने स्वतंत्रता को अव्यवहार किया, भगवान ने पूछे बताओ तुम मेरी सेवा करोगे ना माया की सेवा करोगे, हैं वहां पर हमारे मथुरा मठ में गुरुदेव ने एक बहुत सुंदर छवि बनाया, बड़ा सुंदर छवि है, कहते बीच में एक व्यक्ति खड़ा हुआ, एक तरफ में माया की जगत और एक तरफ में भगवान की जगत,
उसमें दिखा रहे हैं, एक तरफ में माया खड़ी होकर बुला रही तू इधर आ जा, दूसरे तरफ में एक संत साधु खड़े होकर तू इधर आ जा, वो दिख रहा है जिधर साधु खड़े हैं उधर उजाला हुआ एकदम प्रकाश प्रकाश और सीधा रोड गया गोलोक वृंदावन। आज इधर माया खड़ी है अंधकार बड़े भयंकर जानवर उधर खड़े हैं, बड़े भयंकर जानवर देख रहे हैं सबको, माया कहती तू इधर आ जा, चलो इधर देखता है उधर संत कहता देख दिख रहा है ना उधर धूप कटकर, इधर एक संत खड़े बोले सीधा भगवान के पास जा, इधर देखता इधर जा माया में जाओ ना साधु बुला रहे साधु बस, बहुत कम व्यक्ति जो भगवान की तरफ में आकृष्ट होते, लेकिन ज्यादा तरह की जो जीव है वो माया में ही चले जाते हैं, बोले कारण क्या वो दिख रहा है दुख कष्ट है तब भी उसमें छलांग लगाते हैं, बोले कारण क्या, बोले जो जीव है वो खुद रहे और जो माया की जो शक्ति ज्यादा है, माया शक्ति ज्यादा है और जीव बहुत छोटा, इसलिए जो माया है ना वो आसानी से उसको दब लेता है, आसानी से जानता है इसमें दुख है तभी उसमें ही हाथ लगाएगा, वो आग है तभी वो आग में ही छलांग लगाता है, भगवान की तरफ में जीव जाता नहीं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं भगवान ने माया शक्ति पुरस्कार के हमारा आदर करी, माया जब सुख देना किसकी कृपा सुख मिला, भगवान का कृपा से सुख मिला, ठाकुर की कृपा सुख मिला, सब कुछ ठाकुर का कृपा, लेकिन थोड़ी जो दुख दुख देना बस भगवान को गाली देना सकते हैं, भगवान तुम हमारे साथ में ऐसे क्यों किया, हमारी इतने भक्ति करते हैं इतना पूजा करता हूँ इतना सेवा करता हूँ तुम हमें इतना, उसका सारे पुरस्कार को तो ले रहा है, उसका जो अच्छा चीज तो ले रहा है, सब ठाकुर का कृपा सब ठाकुर का कृपा, थोड़ी सी दुख हो जाए ना और जब जीवन में कोई सुख आ जाए बोले किसने मैंने किया मैंने किया ना जीवन में जो कुछ हुआ पढ़ाई लिखाई पैसा पैसा जो कुछ किया मेरे मैंने क्या तभी अपना हाथ में, जब दुख हो जाए ना ठाकुर जब दुख हो जाए ठाकुर तुमने क्यों दुख किया, जब सुख आ जाए ना मैंने क्या करती, यहाँ पर कहते नहीं माया जो कुछ करती है, जैसे पिता माता बच्चे के लिए कभी दंड देते हैं कभी उसको कभी शासन करते हैं, जैसे दोनों ही उसके लिए अच्छा है, बल्कि पुरस्कार से तिरस्कार ज्यादा महत्व है, जब बच्चा भी गलत रास्ता पर जाए पिता माता जो शासन करते हैं उसमें ज्यादा ही दया है, दिखता है तो शासन करता है बच्चे से आ गया पेपर आ गया बच्चे पढ़ नहीं रहे पिता माता क्या करते हैं पढ़ाई करो, बच्चा क्या करते गेम दिन भर गेम खेले क्या, एक होता है ना क्या उसको पबजी ना क्या बोलते हैं कोई खेलते हैं और इंडिया में कोई गेम खेलते हैं पबजी कोई खेलते हैं, इसलिए वो उसको अच्छा लगता है पढ़ाई थोड़ी अच्छी लगती है दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन लेकिन पिता माता कहते नहीं शासन कहते नहीं पढ़ाई करो पेपर आ गया मेरे जीवन में क्या करो कोई डिग्री प्राप्त करो, इसलिए कहते ज्यादा शासन में ही कल्याण है, ज्यादा प्यार में बच्चों का कल्याण नहीं ज्यादा शासन में ही कल्याण है, इसलिए तिरस्कार जंत्रणा दे, जहां जीवन में थोड़ी बहुत तिरस्कार मतलब हमें कोई दंड देते हैं ना कोई कहते हम आचार्य भगवान हमारे साथ में ऐसे किया, इसलिए माया एक दंड भगवान कृपा प्रसाद लाभ करिवार उद्देश्य ही विहित है बोलिया ताहा भक्तगण अनादर करे ना, कहते जीवन भक्तों का जीवन में कभी कभी जब विपत्ति आ जाती है भक्तों भक्ति करते करते विपत्ति आ गई तो भक्त लोग क्या समझते हैं कि भगवान की दया है, भगवान की दया है, इसलिए भगवान जब कुंती मांग बोले भले हमसे वर मांगो कुत्ती क्या कहती है प्रभु मेरी झोली में विपत्ति दे दो, संपत्ति नहीं हमारी झोली में विपत्ति दे दो, भगवान ने कहा बुआ जी सारा जीवन दुखी दुख भोग किया, जब भीम छोटा था ना उसको 20 लड्डू खिला करके पानी में फेंक दिया, बड़े हुए तो तुमको
आग लगा करके जत्तु गृह में आग लगा करके तेरे को मारने के लिए कोशिश किया पूरा परिवार को। और थोड़े बड़े हुए तो द्रौपदी शादी हुई तो फिर उसमें क्या किया, जुआ खेल करके सारे राज्य तुम्हारे लिए लिया। धरी सभा में द्रौपदी को वस्त्र हरण करने के लिए कोशिश की गई। उसके बाद में फिर तुम लोग 13 साल के लिए जंगल में वास किया। इतना कष्ट होगा, इतना कष्ट होगा। मैं जब बोलता हूँ कुछ बर मांगो फिर क्या कह रहे बुद्ध हमें विपरी को, क्या इतना दुख भोग भोग करके पेट भराएगी तुम्हारी, इतने दुख भोग करते करते क्या तुम्हारे पेट नहीं भरा, फिर दुख दो क्यों दुख चाहते हो। कुंती क्या कहते हैं, बोले प्रभु इसलिए मैं दुख मांगता हूँ, बोले दुख में सुमिरन सब करे। जब जीवन में दुख आ जाए ना तो भगवान को ज्यादा सुमिरन करने लगे, ठाकुर ये करो ठाकुर ये। अब सुख में करे ना कोई, ज्यादा सुख आ जाए ना क्या जरूरत भगवान की भक्ति करने का, किस चीज की कमी है, है? किस चीज का हमारी कभी जरूरत नहीं भक्ति करने का, हमारे खान पीन दुकान मकान बढ़िया चल रहा है, कोई जरूरत नहीं। इसलिए कुंती कहती है प्रभु चार ही तरह का व्यक्ति को भजन नहीं करेंगे। बोले कौन है, बोले जिसको पास में ज्यादा पैसा है, ज्यादा पैसा हो गया, अरे हमारी किस चीज की कमी है, कोई चीज कमी, हर नौकर चाकर दुनियादारी, जिसको ज्यादा सुंदर हो गया चमड़ा, जिसकी ज्यादा सुंदर हीरो हीरोइन हो गया है वो भक्ति नहीं करेंगे। तीसरा जिसको उच्चा उच्चे कुल में जन्म हो गया वो नहीं करेगा। चौथा जिसको बात में ज्यादा ज्ञान, ज्यादा जगत का डिग्री आ गया, ज्यादा पढ़ाई लिखाई हो गया, बोले प्रभु ये चार व्यक्ति तेरा भजन नहीं करेंगे, बड़ा अभिमान आ जाता है। चार में एक चीज भी आ जाए ना उसके अंदर में घमंड आ जाता है ना, घमंड आ जाती है, अभिमान आ जाती है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं अगर जीव भक्ति करते करते कोई अगर दुख कष्ट आ जाता है, भक्त लोग क्या समझते हैं, भगवान की दया है, भगवान की दया, अगर ये दुख कष्ट नहीं आता है ना फिर हम तो भगवान का भजन ही नहीं करते, हम तो माया में चले जाते, माया में चले जाते। भगवान की कृपा है, भगवान के दुख कष्ट दे दिया मतलब भगवान भगवान को भूल रहे थे ना, भूल रहे थे। अब देखना ज्यादा तो भगवान को हम स्मरण करते हैं, सुख में करते हैं ना दुख में करते हैं कम करते हैं। जब ज्यादा दुख कष्ट आ जाए हम भगवान को ज्यादा स्मरण, ठाकुर जी हम बचाओ, ठाकुर जी विपत्ति आ गया, और सुख ज्यादा आ गया तो भगवान को हम भूल जाते हैं। इसलिए भक्त लोग भगवान की दया मान लेते हैं, ठाकुर जी की कृपा दया है ठाकुर जी। इसलिए अम्लाल पद ने सही सुनुता सही तो भगवत कृपा बलिया ग्रहण करे। भक्तों का जीवन में जब दुख आता है भगत दुखी नहीं होते हैं, भक्त लोग भगवान को समझते हैं, जरूर इसमें भी भगवान का कुछ कृपा है। अम्लान बदन है, अम्लान बदन मतलब दुखी नहीं होकर के सहन करते हुए भगवान कृपा मान करके वो चीज को भक्त लोग स्वीकार कर लेते हैं, भक्त लोग स्वीकार कर लेते हैं। जहां संसार की अमंगल की भगवान दया बलिया बुझते ना पारे, तहार पुनराय संसार उन्नति सुख अन्वेषण करते गया परिशेष निष्फलता लाभ करे। जो लोग संसार में कोई अमंगल आने पर भगवान की दया, ये ठाकुर का ही दया, ये चीज को नहीं समझ पाते हैं, भगवान की दया बोलकर नहीं समझ पाते हैं, फिर वो क्या कर रहे हैं, वो करते हैं क्या पुनराय फिर संसार का उन्नति, कैसे फिर हम संसार में बड़े बने, फिर कैसे संसार की उन्नति हमारी हो, फिर उसको पीछे लग जाते हैं। पीछे लग कर क्या होता है, लास्ट में निष्फल प्राप्त होता है, जीवन में कोई फल नहीं मिलता। कोई जीवन में दुख आ गया अरे हो गया कोई बात नहीं, हम दूसरे चीज के लिए कोशिश करना शुरू कर दिया है, भगवान दया इस चीज में नहीं माने। लास्ट में ऐसे करते 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 शायद ये करने पर सुख मिलेगा, शायद ये करने पर सुख मिलेगा, करते 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 उदाहरण देते हैं जैसे एक मृगमरीचिका जानते हो, जो डीजल होता है ना डीजल, गर्मी का समय पर वो जो हिरण है उसको जब प्यास लगता है, उसको गरीब में रेगिस्तान में जहाँ पर केवल रहती रहती ज्यादा वहाँ पर सूरज का दूर से ऐसे दिखता है जैसे पानी है, दूर से लगता है पानी है लेकिन वो पानी नहीं वो गर्मी है,
हिरण सोचता है ये पानी भागते 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 चलता है, लेकिन जब वहां पर पहुंच जाते पानी फिर दूर से दिखता है, फिर वो पानी है, इस पानी है, फिर भागता है, फिर भागता है, करते 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 वहां मिलता है पानी है, ऐसे करते करते भागते भागते रेगिस्तान में। फिर उसी तरह इसी संसार में भी जीव सुख ढूंढते 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 चल इसी में सुख मिलेगा, चल इसी में सुख मिलेगा, चल इसी में सुख मिलेगा, करते करते जीवन खत्म। जो जीवन का जो मूल उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, शांति सुख कैसे मिलेगा, केवल भगवान के शरण में। इसलिए कहते हैं अशोक भय अमृत आधार तुम्हार चरण, ठाकुर तुम्हारी चरण में ही अशोक अभय अमृत, केवल ठाकुर चरण में, ये दुनिया में नहीं। तभी सुना था ठाकुर एक उदाहरण दिया, चावल बनाए को राइस बनाए को, जो चावल बनता है ना, अब देखना ये चावल हो गया कि नहीं कैसे पता चलता है। एक चावल को जब दबा देते हैं, एक चावल को देते हैं, फिर एक चावल बन जाता है ना, समझ गए पूरा चावल बन गया, ये पूरी चावल बनेगा, एक चावल जब बन जाए एक। उसी तरह संसार में हमने दुख मिला, ये कोई बात नहीं, इसमें दुख मिला और शायद सुख मिलेगा, शायद इसमें कोई बात नहीं, इसमें ये तो किसी कारण से हमें धोखा मिला कोई चीज में, फिर दूसरे हैं, फिर और संसार में आनंद फिर ढूंढने की कोशिश करते हैं, फिर नहीं मिला, जो एक चावल देख लिया ना ये हो गया, मतलब पूरा चावल हो गया, मतलब है अगर कहीं माया से हमें दुख कष्ट मिला तो फिर कोशिश नहीं करनी चाहिए, फिर माया में चला लगा भाई, नहीं सबके सब ऐसे ही, माया में सब कुछ दुख ही दुख है, इसलिए वहां से निवृत्त होकर क्या करनी चाहिए, ये मन को ठाकुर के चरण में लगा दो, भगवान की भक्ति में लगा दो जीवन को। इसलिए कहते समस्त ही भगवत इच्छा, जो कुछ जगत में होता है सबके सब ठाकुर जी का ही इच्छा है। सुतराम असुविधा उपस्थित है ले ओ सज्ज गुण संपन्न है या भगवत करुणा प्रतीक्षा व्यतीत आर उपाय नाही। अगर जीवन में कोई अगर दिक्कत आया तो क्या करनी चाहिए, सज्ज गुण संपन्न इस चीज को सहन कर, भगवान कहते हैं चीज को अगर दुख उसको सहन करो, सहन कर क्या समझो, भगवान करुणा और प्रतीक्षा व्यतीत उपाय करना है, क्या करो भगवान की करुणा, भगवान मेरे ऊपर भगवान की कब कृपा होगा, ठाकुर की कृपा से ही जीवन में सुख मिल सकता, इसलिए उनको करुणा ऊपर में निर्भर करो। नृसिंह देव सर्वखण ही भक्तगण के नाना प्रकार अमंगल हित रक्षा करे। अगर जीवन में कोई दुख कष्ट आता है क्या करो, भगवान नरसिंह देव को सुनो, क्योंकि जो नरसिंह देव है भक्तों का सारे दुखों को श्री नरसिंह देव हैं, भगवान सारे नरसिंह देव दुख कष्ट को दूर करते हैं। अभी एक वीडियो में कथा है, क्या कोई विदेश में कोई एक परिवार है जो भक्ति करते हैं, वो कभी आए थे वृंदावन, वृंदावन में आए तो उन्होंने भक्तन के परिवार वृंदावन में आए थे, तो उन्होंने भगवान नरसिंह देव का मंदिर में गए, नरसिंह देव का मंदिर कहते ये कौन है, बोले ये नरसिंह भगवान है, लायन लॉर्ड लायन, क्या बोलते इसको, ह्यूमन लायन, ह्यूमन लायन, लायन लॉर्ड, लायन लॉर्ड, हाँ ये नरसिंह भगवान है। तब उन्होंने सुना है ये भगवान सब विपत्ति से रक्षा करते, छोटा भी बच्चा था, छोटा भी बच्चा था, बच्चा था तो उसने अभी उनको देख करके बड़ा खुश हुआ, लेकिन भारत आया, लेकिन जब विदेश गया, विदेश में वहाँ पर ढूंढा ऐसे भगवान कहाँ मिले, देखते देखते कहीं इस्कॉन मंदिर विदेश में था, वो मंदिर में जाकर देखा ये भगवान नरसिंह थे, और उन्होंने बोले जीवन में कोई भी विपत्ति आए अगर इनको स्मरण करो तो ये हर विपत्ति से नरसिंह देव रक्षा करते हैं। छोटा बच्चा था, अभी क्या हुआ, अभी वो नरसिंह भगवान, नरसिंह भगवान हर समय नरसिंह भगवान का नाम लेता था, हर समय नरसिंह भगवान का नाम लेता था, नाम लेता था, हठात क्या हुआ, जैसे छोटा बच्चा है ना मेन रोड में निकल जाते हैं, और ये गाड़ी बड़ी स्पीड से आ रहा है, बहुत स्पीड से गाड़ी आ रहा है,
और आधा तो और वो बच्चे को मारा टक्कर, हाँ एक्सीडेंट हुई, एक्सीडेंट हुई तो वो बच्चा इतने जोर से लगा उसका, वो बच्चा एकदम पूरा छलांग लगा करके पास में जो एक ग्राउंड था ना तो पूरा पूरा एक ग्राउंड में जाकर के बच्चा गिरा। जब गिरा उसको पिता ऊपर से देख रहा था छत के ऊपर से, उन्होंने जल्दी छत के ऊपर से उतर करके आया, आकर घर उनको देखा बच्चा बेहोश पड़ा हुआ, तो उसने हॉस्पिटल में ले गया। हॉस्पिटल में देखा तो बच्चा कुछ नहीं हुआ, बच्चा ठीक ठाक कुछ नहीं हुआ। जब उसका एक्सरे करा उन्होंने बोला ऐसे गाड़ी की एक्सीडेंट हुई है, लेकिन एक्सरे किया तो बोले देखा कुछ नहीं, एक्सरे कुछ नहीं आया। बोला नहीं, उसको पीछे पीछे है ना जैसे कोई जानवर का कोई पंजा होता है, जानवर का कोई पंजा, जैसे शेर का पंजा है ना, हाँ उसको पीठ में एक शेर का कोई पंजा है, पंजा है। तो बोले उसको तो कुछ है नहीं, एक्सीडेंट कुछ नहीं, कोई शेर का कोई पंजा है। इसने में वो बच्चे को पूछा बोले तुम्हारी क्या हुआ, बोले जब गाड़ी आ गई तो मेरे को मारा है ना, मैंने देखा जो नरसिंह भगवान जो लायन लड़ रहे मेरे को इसे उठा करके लिया और उठा कर लेट कर मेरे को लेटा दिया, मेरे को वहां से उठा कर लिया और उसने हमें लेकर लेटा दिया, मेरा कुछ नहीं। इसलिए जब कोई विपत्ति में जैसे जैसे रसिया में पहले था कम्युनिस्ट कंट्री था, रसिया में कम्युनिस्ट कंट्री में उनका देश में भगवान का नाम अलाव नहीं था, लेकिन इसको प्रचार कर रहा था, इसको वहाँ प्रचार कर रहा था और वहाँ के जो कम्युनिस्ट कंट्री के जो ये थे ये सरकार उनको जेल में डाल दिया, उनको जेल में डाल दिया। अभी जेल में डाल करके लेकिन वो जेल में बैठ बैठ करके भी हरिनाम कर रहे थे, कैसे मतलब जो ब्रेड है ना ब्रेड में माला बना देते, ब्रेड जो खाना मिलता है उसमें एक माला बनाते, 108 मूर्ति बना करके हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 एक मूर्ति बना हरे कृष्ण ऐसे हरिनाम करते थे जेल में बैठ करके। वहाँ पर भी कोई उन्होंने मांस मछली कोई चीज नहीं खाई, वहाँ बैठ बैठ करके भी उनको इसको 4-5 साल 7 साल जेल हुआ, लेकिन वहाँ भी बैठी बैठी करके निरामिष भोजी भगवान के भजन करते थे, भजन करते थे। अभी जैसे जेल में होता है ना, अभी उसको दंड दे रहे थे, मारते थे, कोई अगर गलत काम किया तो मारते थे, मारते 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 अभी वो चीख रहे थे बचाओ बचाओ और नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे मारते मारते अभी इसको उनका जो भक्त लोग थे ना अभी वो भी सोच रहे थे अभी हमारे हमें भी पिटाई करेंगे। तब उन्होंने नरसिंहदेव को स्मरण किया, हे नरसिंहदेव आप तो भक्तों को रक्षा करते हो, हाँ नरसिंहदेव को बुला रहे थे, नरसिंहदेव को बुला रहे थे, नरसिंहदेव हमें बचाओ। अभी ऐसे मारते 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 ये जब इनका नंबर आएगा ना उसका पहले नंबर खत्म हो गया, कल इनका नंबर आएगा, कल इनका मारने का नंबर आएगा। और जो मारता था जला गया, जो चला गया रात में जब सो गया ना नरसिंहदेव प्रकट हो गए, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और उसको छाती पर बैठ गए, बैठ करके बोले कल मेरे भक्त लोग है ना, मेरे भक्त लोग का है, अगर तू उनको पिटाई करोगे ना तो छाती फाड़ दूंगा। उसको छाती पर बैठ करके जैसे नाखून लगाए, छाती के ऊपर नाखून लगा दिए, कुछ अगर किया तो तेरे को छोड़ूंगा नहीं। आज स्वप्न में देखा और डर गया, डर करके वो एकदम सवेरे सवेरे आया भक्तों के पास में, सवेरे सवेरे आया बोले तुम लोग मैं नहीं मारूंगा, तुम लोग मैं मारूंगा नहीं, मैं जो ठाकुर है ना उनको बोल दो मैं मारूंगा नहीं। रात को कोई भयंकर जीव प्रकट हुआ, नरसिंह शेर जैसे प्रकट हुआ और मेरे छाती पर बैठ गया, देखो मेरे उसका नाखून का दाग है, हाँ मेरे छाती में उसका नाखून का दाग है उसका, कहा अगर मेरे भक्तों को कुछ बोला तो तेरे को छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा हैं मार डालूंगा, तुम्हारे भगवान को प्रार्थना बोल दो हम कुछ नहीं करेंगे, मारेंगे नहीं, मेरे को मारना नहीं। इसलिए कहते अगर यहाँ पर कह रहे अगर भक्तों के जीवन में कोई भी दुख कष्ट आता है, इसलिए हम क्या करते जब गाड़ी स्टार्टिंग करते हैं घर से जब निकलते हैं क्या बोलते हैं, नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद लाददायिने हिरण्यकशिपुर्वक्षः।
को पढ़ते हुए जाओ ना, अब देना विपत्ति नहीं है, इसलिए हमने देखा मंदिर में अगर कोई विपत्ति आता था, जैसे हमारे गुरु जी मंदिर में बहुत सारे उल्टा पुल्टा लोग होते हैं, अगर कोई विपत्ति होता था ना, गुरुदेव भगवान नरसिंह देव का चरण में तुलसी चढ़ाया करते थे, नरसिंह देव को खीर भोग, उनका खीर भोग बहुत अच्छा लगता है, उनको खीर भोग लगाते थे, खीर भोग लगाते थे, बस जीवन में जो विपत्ति सब नष्ट हो जाता, कोई भी विपत्ति नहीं आता। इसलिए नृसिंह देव को प्रभुपाद कहते हैं। इसी तरह कहते नृसिंह देव सर्वक्षण भक्तगण के नाना प्रकार अमंगल हित रक्षा करे, नृसिंह भगवान ही हर समय अपना भक्तों को हर विपत्तियों से नृसिंह देव को रक्षा करते। सुतराम आमादरे भक्ति ते अवस्थान हरिले निजर पोषण रक्षण चिंता था के ना, जब हम भगवान की चरण में शरणागत हो जाएंगे, हर समय भगवान की चिंतन भगवत कथा भगवान के भजन करेंगे, उस समय में अपना रक्षण अपना रक्षा करने का है? अपना पोषण करने का मतलब मेंटेनेंस करने का क्या होता है, कोई चिंता नहीं रहता, भगवान सब दायित्व ठाकुर जी देते हैं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं एक कीर्तन में बोले हे प्रभु निजर पोषण कभु ना भाविव रहिव भावे रहो रे, इसलिए कीर्तन करते हैं प्रभु मैं कभी भी मैं कैसे खाऊंगा मैं कैसे रहूंगा, निजर पोषण कभु ना भाविव, कभी भी अपना पोषण चिंतन कभी नहीं करेंगे रहेंगे भावे भोरे, मतलब हर समय तुम्हारी चिंतन तुम्हारी कथा तुम्हारी भक्ति में ही हर समय ये मन को हम डुबा करके रखेंगे, डुबा करके रखेंगे, क्योंकि रखने वाले किनारे वाले तो वही है। इसलिए भगवत प्रपत्ति क्रमे माई की जगत अमंगल समूह निशेषित है, तथा हम भगवान के चरण में जब शरणागत हो जाते हैं ये जगत का जितनी बाधा विपत्ति सबके सब विपत्ति नष्ट हो जाता है। अम्बरीश महाराज को देखो दुर्वासा जैसे शंकर जी का अवतार है, प्रकाश है, उन्होंने मारने के लिए कोशिश किया भगवान को, पूर्ण विश्वास हाथ जोड़ के प्रभु अगर जा के राके साइया मार सके ना कोई, इसको ठाकुर जी रक्षा करते हैं उसको जगत में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अगर इसको ठाकुर नहीं रक्षा करते हैं दुनिया में कोई नहीं उसको बचा सकता है, दुनिया में कोई नहीं उसको बचा सकता है, ठाकुर जी इसको रक्षा करते उसको कोई मार नहीं सकते हैं। इसलिए दुर्वासा जी क्या था अम्बरीश महाराज हाथ जोड़ कर खड़े रहे, सुदर्शन चक्र प्रकट होकर उनको काटा, और सुदर्शन चक्र क्या किया पीछा किया दुर्वासा जी की, दुर्वासा ब्रह्म लोक में गए, शिव लोक में गए, वैकुंठ तक भी चले गए, रक्षा नहीं हुआ भगवान तक भी उसका रक्षा नहीं की, ठाकुर भी नहीं रक्षा किया, इसलिए फिर उन्होंने भक्तों के शरण में उनका आना था। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जब हम भगवान के चरण में शरणागत हो जाते हैं उसी समय में कोई जीवन में अमंगल आ नहीं सकता, कोई जीवन में दुख कष्ट नहीं आएगा, लेकिन केवल भगवान के चरण में हमारी कमी हमारी भगवान की कोई कमी नहीं, कमी हमारी कमी है। इसलिए प्राक्तन कर्म फले हमारा कखन सुख कखन असुस्थ हो या पड़े, यदि जीवन में जो दुख कष्ट आता है तो पूर्व पूर्व जन्म में हमने जब कोई कर्म किया है इसी कर्म से कभी क्या क्या होता है, कभी सुस्त रहते कभी अस्वस्थ रहते,
तभी दुखी हो जाते हैं। जखन सुस्त अच्छी मन करी हमारा तखन ही कृष्ण विमुख हया पड़ी एवं तत्काले निजा पेख्या श्रेष्ठ भक्त गण के कृष्ण मन करी। कहते जीवन में दुख कष्ट क्यों आता है, प्रभुपाद एक अच्छी बात बताए कि जब हम ये सोचने लग जाते हैं अभी हम सुस्त है अभी हम ठीक ठाक है तब हम क्या होता है भगवान का हम भूल जाते हैं, भगत ठाकुर जी को भूल जाता है। उस समय में कहते निजा पेख्या श्रेष्ठ भक्त के निकृष्ट मन करे, अपने से जो श्रेष्ठ जो भक्त है उसको हम छोटा मानने लग जाते हैं, अरे हमारा किस चीज कमी है। इसलिए उस समय हमसे जो श्रेष्ठ भक्तों को हम क्या करते हैं उसको हम निकृष्ट मन करते हैं। इसलिए भगवान क्या करते हैं, इसलिए कृष्ण हमारा अवस्था विचार करिया नाना प्रकार दुख कष्ट अस्वस्थ असुविधाएं रखे, इसलिए जानते हैं अगर इनको ज्यादा सुख स्वस्थ दे दिया ना संसार में ज्यादा कि मेरा भजन नहीं करेगा कि मेरी भक्ति नहीं करेगा, इसलिए भगवान क्या करके जान बुझ करके कभी दुख कष्ट कभी अस्वस्थ अवस्था में रख लेते हैं। इसलिए आप इसी जगत में कभी कभी हमने देखा है जैसे हमारे भक्तिवेदन नारायण गोस्वामी महाराज कभी उनकी शरीर में कुछ किसी दिक्कत हुई कुछ असुविधा हुई कहते महाराज कह रहे थे कहते मैं तो ऐसे बयान करूंगा नहीं, भगवान क्या करते जान बुझ कर कोई बीमारी दे देते हैं उसमें तुमको नहीं जान कर तुमको बयान करना ही पड़ेगा। देखना अगर कोई जीव है ना वो अपने आप अगर बढ़िया सब कुछ रहे बढ़िया खाना पीना गुरुदेव बोल रहे थे कि भगवान कृपा है हमें ठाकुर जी ने ये बीमारी दे दिया अच्छा किया, क्यों हम चाहने पर भी जो बढ़िया बढ़िया चीज को खा नहीं सकते हैं कि ठाकुर जी जानबूझकर हमें वैराग्य देने के लिए ठाकुर जी हमें ये बीमारी दे दिया। इसलिए भक्त लोग का जो भावना है भक्त लोग का ये भावना है जरूर इसमें भी हमारे कुछ कल्याण है। तखन भक्तगण तत्व अनुकंपा श्लोक अर्थ बुझीवार चेष्टा करें, इसलिए ब्रह्मा जी भागवत में एक श्लोक बताया ब्रह्म स्तुति में बोले तत्व अनुकंपा सुषमिक्षमान भुंजामि एवात्म कृतम विकात। यदि जो श्लोक है ना प्राय करके प्रभुपाद अगर जैसे भक्तों का जीवन में कोई दुख कष्ट आए ना अक्सर करके प्रभुपाद इसी श्लोकों को लिख करके भेज देते बोले इसी श्लोक को पढ़ा इस श्लोक का पढ़ लोगे ना अगर जीवन में कोई दुख कष्ट आए दुखी नहीं है कभी कोई जीवन में दुख कष्ट आए ना हम उसका दोष देते हैं उसने ऐसे किया उसने प्रभुपाद बोलते थे ये श्लोकों को पढ़ लो अगर इस श्लोक को पढ़ोगे कभी दूसरों को दुख नहीं दोगे तत्व अनुकंपा सुषमिक समान गुंजामि एवात्म कृतम् विकात। इसलिए जीवन में जो कुछ आता है किसी ने कभी किसको दुख कष्ट नहीं देता है, हमने जैसे कर्म की कर्म के अनुरूप फल भोग करते हैं, हमने जैसे कर्म किया वो कर्म के अनुरूप फल भोग करते हैं। इसलिए हम जैसे बीज बोएंगे ना ऐसे पेड़ होगा, अगर हमने चीकू का बीज बोएंगे चीकू वृक्ष होगा, आम का गुठली बोएंगे आम का वृक्ष होगा, अगर नीम का गुठली बोएंगे तो बीज नीम होगा। इसलिए हम जैसे हम कर्म करते हैं वो कर्म के अनुरूप जीवन में फल आता है। इसलिए कभी भी किसको पर दोष मत लगाया करो। ब्रह्मा जी कहते हैं भुंजा में एवात्म कृतम विदधन नमस्ते जो मुक्ति पद सदाय भाग, बोले भगवान की भक्ति को प्रेम को कौन प्राप्त कर सकता है, केवल वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जीवन में जो कुछ आए अपना कर्म का फल मान कर वो कर ले और जीवित जीवित मतलब होता है कभी भगवान की भक्ति छोड़े नहीं। भगवान की कभी होता है ना दुखों कष्ट आने पर कभी हम भक्ति छोड़ देते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी तो भजन मत छोड़ा लो, क्योंकि उदाहरण देते ही तुम्हारी जो पिता है ना कौन है, तुम्हारे पिता भगवान है ठाकुर विश्व ब्रह्मांड का मालिक वो कौन है, रस स्वरूप है प्रेम स्वरूप आनंद स्वरूप है उनकी चरण में अशोक अभय अमृत उसकी चरण में है ठाकुर जी के चरण में, फिर तुम उसको बच्चे हो तुम अमृत पुत्रा हम अमृत के पुत्र है, एक दिन वो अमृत तत्व को हम प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कैसे प्राप्त करोगे, पिताजी की संपत्ति में बच्चे का अधिकार, लेकिन बच्चा कब वो संपत्ति प्राप्त करेगा जब जीवित रहे। अब
अगर मर गया तो संपत्ति कैसे मिलेगा? मर गया मतलब क्या? अगर तुमने भक्ति पथ को छोड़ दिया फिर पिताजी का संपत्ति कैसे मिलेगा तुम्हें? पिताजी का संपत्ति तभी तो मिलेगा तुम जिंदा रहोगे। मतलब अगर इसी भक्ति पथ में चिरकाल अगर भक्ति पथ में लगे रहोगे तभी तो तुमको ठाकुर के चरण मिलेगा। अगर थोड़ी सुखभ्रष्ट आ गया भजन भजन छोड़ दिया वो मिलेगा कहाँ से? इसलिए ब्रह्मा कहते भैया भजन कभी मत छोड़ा करो, भजन भक्ति मत छोड़ो, हर समय भगवान भक्ति में लगे रहो तभी एक दिन ठाकुर जी के चरण तुम्हें प्राप्त होगा। इसलिए भजन कभी नहीं छोड़नी चाहिए। भगवत माई जगत अमंगल निश्चित है सुतरा हमारे भक्ति तो अवस्था में ले निजर पोषण से प्रार्थना करो जगन सुता करो कहाँ से लगे। इसलिए कृष्ण जहाते आनंद हमारे ताहे ही संतुष्ट चित्ते स्वीकार करा करते हैं। जब जिसमें भगवान खुश हो रहते हैं उनका खुश में खुशी होनी चाहिए, भगवान की खुशी। इसलिए जीवन में जो कुछ आता है कृष्ण की इच्छा है, जब सब कृष्ण की इच्छा कृष्ण की सुख में उसमें ही सुख मिला दो, उनको इच्छा में अपना इच्छा मिला दो। जीवन में जो कुछ आता है ये ठाकुर को इच्छा मान कर उसमें इच्छा मान दो। कृष्ण यदि हमारा के विमुख रखिया सुखी हन ताहले अमर जे दुख ताहे अमर वरणीय। कृष्ण यदि विमुख रखिया, कृष्ण अगर हमें भक्ति से विमुख करा करके सुखी होना चाहते हैं ताहले हमारा जे दुख ताहे अमर वरणीय। अगर कृष्ण का सुख दुखी रहते अगर खुश होते हैं कृष्ण की सुख से ही हमें सुखी रहनी चाहिए, मतलब कृष्ण की इच्छा से ही अपना इच्छा मिला देनी चाहिए। कृष्ण सेवाए दुख है लतस्यो तो परम सुख भक्ति ठाकुर कहते हैं भगवान की भक्ति करने के लिए जा करके अगर जीवन में कोई दुख कष्ट आता है जीवन में दुख वो दुख कष्ट नहीं तो सुख का कारण है। भगवान की भक्ति में भजन कर रहे हो अगर कोई दुख आता है तो दुख नहीं और सुख का परम कारण है। कृष्ण सेवाए दुख ये उपलब्धि वैष्णव रिता अनुसरण करा और जन्य जत्न करा प्रयोजन। कहते ऐसे जो उपलब्धि है ये उपलब्धि किसका है? कहते वैष्णव का ये उपलब्धि है। इसको अगर जीवन में अपना जीवन में आचरण में ले आए तो जत्न इसी से ही हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए हमारा जीवन धन्य हो जाए। जीवन में जो कुछ आता है भगवान की इच्छा जानकर उसमें मन मिला। एक स्टोरी सुन लो, दो स्टोरी सुनो। एक स्टोरी सुना बोले एक समय बहुत बड़ी नदी थी उसमें कुछ उसमें कुछ लोग नाव में बैठ कर नदी पार कर रहे थे। उसमें एक संत भी था वैष्णव भी था। जो नदी पार कर रहे थे जो बीच दरिया में पहुंच गया नाव पहुंच गया बड़े आंधी तूफान आ गया। आंधी तूफान आया तो पानी अभी छलक छलक करके पानी नाव में गिर रहा नाव के अंदर। अगर नाव के अंदर पानी गिरे तो क्या करोगे? पानी को फेंकोगे। लेकिन उसमें एक वैष्णव था वो क्या कर रहा था? वो फेंकेगा क्या? पानी और भर रहा था, पानी और भर रहा था। लोग नाव डूबने वाला है, नाव डूबने वाला था, पानी फिर भी भर ले। बोले तो किसी की बात नहीं सुन रहा था। लोग बोलते हैं पागल हो, वैसे नाव डूबने वाला तो मर जाएंगे तो पानी नहीं गिर रहा तो फिर पानी लग रहा तो सुन नहीं रहा था। लेकिन थोड़ी दूर गई ना आंधी तूफान खत्म हो गया, थोड़ी दूर जाते आंधी तूफान खत्म हो गया ना तो पानी को बाहर निकाला। लोग कैसे पागल है, जो निकालना चाहे था भर रहा था, अब झरना चाहे था वो निकाल रहे। तो उसने पूछा भैया तू ऐसे क्यों कर रहा था, तू ऐसे क्यों कर रहा था? देखो क्या कहता है। बोले ठाकुर को इच्छा में इच्छा मिला रहा, ठाकुर की इच्छा में इच्छा मिला रहा था। मतलब क्या? बोले हम कहते हैं ना कृष्ण की इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं मिलता, बोलते ही नहीं। उसके इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं मिलता है। ये जो आंधी तूफान आए किसकी इच्छा थी? ऊपर वाला इच्छा, भगवान की इच्छा। जो पानी नाव में गिर रहा था किसका इच्छा थी? ठाकुर की। उसकी इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता। मैंने देखा जो ठाकुर को इच्छा है पानी अंदर में आना इसलिए मैंने पानी डाला। बोले निकाल क्यों रहा? ठाकुर की इच्छा ना हो तो
इसका मतलब है जीवन में जो परिस्थिति आए जीवन में वो भगवान की इच्छा जान करके उसी स्थिति में इच्छा जान करके अपना इच्छा उसको मिला। जो उपदेश है ना अगर कोई याद करे ना जीवन में दुख नहीं आए किसी स्थिति में भी तुम्हारे जीवन में जितने परेशानी आने पर भी देना जीवन में कोई दुख इसलिए इसको लिख करके उपदेश को अपना पास में लिख करके रखो। जब जीवन में कोई दुर्घटना आए ना बाद उसको पढ़ लो मन को तसल्ली मिले नहीं उसके इच्छा के वगैरह कुछ होता ही नहीं जो आया है उसकी ही इच्छा है। जरूर इसमें भी हमारे कुछ कल्याण है इसमें कुछ हमारी कल्याण है इसमें। एक कथा दूसरी कथा है दूसरी कथा ये सबसे महत्वपूर्ण कथा है। बोले एक समय एक राजा एक मंत्री जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। शिकार खेलने के लिए जो गए लेकिन जो मंत्री है ना वो बड़ा भक्त है हर बात बात पर बोलता था जीवन में जो कुछ आता है उसकी इच्छा है और जीवन में जो कुछ होता है भगवान मंगलमय है वो कभी हमारा जीवन में कभी अमंगल लाए नहीं वो मंगलमय वो कभी जीवन में अमंगल लाते हैं जो कुछ होता है मंगलमय होता है। अभी शिकार खेलते खेलते राजा का जो अंगूल था ना ये कनिष्ठ अंगूल कट गए तो राजा ने कहा महामंत्री मेरा अंगूल कट गया लेकिन वो तो भगवान को विश्वास करने वाले बोले देखो भगवान जो कुछ करते अच्छे के लिए भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए क्योंकि भगवान को अमंगल करनी चाहिए। बोले क्या ये जीवन भर के लिए मेरा अंगुल कट गई और भगवान जो करते अच्छे के लिए करते हैं। फिर मंत्री वही बोले देखो महाराज ऊपर वाला तो कुछ अमंगल करता है नहीं वो जो कुछ करता है अच्छे के लिए करता है। राजा को और भी क्रोध आ गया अंगुल कट गया बोले जो करते अच्छे के लिए करते तो जो कुछ करते अच्छे के लिए बोले है उनको भी तो कभी जो कुछ करके बुराई के लिए होता है सब कुछ अच्छे के लिए तेरे को मचा चला था। उसने क्या किया एक अंधकार कुआ था मंत्री को ना धक्का मार कर बुला दिया भगवान जो कुछ करते अच्छे के लिए करते हैं ना पड़े जाओ उसमें करके वो वापस आ रहा था। एक डाकू का सरदार वो जंगल था वो जंगल में कुछ डाकू लोग रहते थे चोरी करते थे वो डाकू का जो सरदार है ना वो एक माता देवी पूजा करते थे बोले माँ देवी अगर मेरे घर में एक बच्चा का जन्म हो जाए तेरे को एक इंसान का बलिदान दूंगा इंसान को हमारे सामने अफर कर अभी उसको घर में कैसे बेटा का जन्म हो गया तो जो सरदार था खुश माँ की कृपा हो गई घर में बेटा आ गया बोले देखो ये जंगल में अगर कोई इंसान मिले ना तो पकड़े रह जाएगा कोई इंसान मिले और ढूंढते ढूंढते मिला राजा वाह माँ तो खुश हो जाएगी इतने सुंदर लंबा चौड़ा शरीर माँ तो खुश हो जाएगी उसको पकड़ने के लिए राजा तो डर गया इसकी चक्कर में पड़ी तो खत्म कर डालेंगे पकड़ कर बांध करके ले आए बांध करके लाए ला करके उसको माँ के सामने बलि खड़गो उठाया तो काटने जा रहे थे हठात देखा इसका जो अंगुल कटा हुआ खून पड़ रहा है खून गिर रहा था। नियम है माता जी को वही चीज बलिदान दे सकते हो जो पूरा शरीर हो अगर तुम्हारी कोई अंग भंग मतलब कटा हुआ शरीर माँ की सेवा में बलि नहीं करा सकते नहीं तो उल्टा रिएक्शन होगा लेकिन देखा खून गिर रहा है वो उठाया था तलवार मारने के लिए राजा तो छटपट छटपट कर रहा था लेकिन जब देखा इसका हाथ अंगुल कटा हुआ हमने तलवार नीचे कर दी बोले ये माँ की सेवा में क्योंकि इसका अंगुल कटा हुआ इसको छोड़ दिया राजा ने कहा हाँ ये मंत्री जो बोल रहा था सही बोल रहा था भगवान जो कुछ करते हैं अच्छे के लिए करते हैं कहीं भगवान अमंगल कर ही नहीं सकते वो वापस आया वापस आकर जो कुएं में गिराया था ना अंधकार कुएं में उसको रस्सी डाल कर उसको ऊपर निकाला उस बार निकाल के उसको ऊपर निकाले बोले मंत्री तुम जो बोल रहा था सही बोल रहा था क्या क्या हुआ ऐसे ऐसे मेरे जीवन में हुआ ये अंगूल कटा हुआ था इसलिए मेरे को छोड़ दिया अगर अंगूल कटा नहीं होता ना पूरा के पूरा तो मैं माँ के सामने बलि चढ़ जाता इसलिए तू सही बोल रहा था लेकिन मंत्री
भगवान मेरे लिए जो किया तुम्हें समझ गया, जीवन में अच्छा किया, लेकिन तेरे लिए जो किया अच्छा किया क्या? तेरे को तब से लेकर अभी तक ये अंधकार कुएं में तू पड़ा रहा, अंधकार कुएं में तेरा क्या कल्याण हुआ? तेरे को तो दुख उठाना पड़ा, मेरा कल्याण किया, तेरा क्या कल्याण किया? मंत्री ने कहा तुम्हारी कल्याण नहीं हुआ, कल्याण नहीं हुआ। बोले कैसे? बोले अगर तू मेरे को कुएं में नहीं डालते फिर हम दोनों जाते हैं ना, अगर हम दोनों जाते तेरे को मेरे को पूरा से पूरा देवी के सामने बलि चढ़ा देते हैं। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद ये कह रहे हैं भगवान मंगल में, भगवान की हर चीज में तो अमंगल हो ही नहीं सकता, इसलिए जीवन में जो कुछ आता है ठाकुर जी की कृपा समझ करके क्या करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस इसमें भी हमारा कल्याण। इसलिए ये उपदेश को अच्छे तरह से लिख करके जब कोई जीवन में कोई विपत्ति आती है उसको बार बार पढ़ो, प्रभुपाद वो ये श्लोक को ना लिख करके भेज देते, इस श्लोक को पढ़ो, कोई विपत्ति आएगा पढ़ोगे, अगर कोई विपत्ति हो ना उसको सुन करके उसको पढ़ करके मन को शांति मिले, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम Gaur Brahmananda.